जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2023 में अजा एकादशी व्रत जो है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, महत्व क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त और व्रत की कथा जो है वो क्या होने वाली है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व रखता है। मान्यताओं के चलते यह माना गया है कि एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत धारण करते हैं वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के भागीदार होते हैं। अजा एकादशी व्रत जो कि भाद्रपद मास में धारण किया जाता है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वर्ष 2023 में अजा एकादशी व्रत 10 सितंबर 2023 को दिन रविवार को धारण किया जाएगा। एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली जो एकादशी है वो मानी गई है। एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर रात्रि जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन अर्चना और ध्यान जो है वो किया जाता है। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी जातक होते हैं, उनको कष्ट का निवारण मिल जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं कि अजा एकादशी व्रत मनाने के पीछे व्रत की कथा, महत्व और इसे क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार एकादशी व्रत जो है वो रखा जाता है तथा धारण और पारण की संपूर्ण विधि जो है वो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं महत्व की बात करूं तो अजा एकादशी व्रत जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे धारण करने से सुख और शांति और समृद्धि जो है वो मिलती है, साथ ही साथ कष्टों का निवारण हो जाता है। सभी एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती हैं। जो भी जातक एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें कभी भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का कष्ट जो है वो नहीं मिलता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है तथा इसका महत्व जो है वो इस व्रत को धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को ही व्याधि और कष्टों का निवारण जो है वो मिल जाता है, इसलिए इस व्रत को धारण किया जाता है। कोई भी विवाहिता महिला जिसके पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है उसे अजा एकादशी का व्रत जो है वो जरूर धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसी कारण से इस व्रत को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर मैं पूजा विधि की बात करूं तो इस दिन सुबह जातक को उठकर शारीरिक स्वच्छ होकर मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फूलों फलों से भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। दिन में निराहार और निर्जल व्रत का पालन किया जाता है, रात्रि में जागरण किया जाता है। द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है और व्रत का पारण किया जाता है। पारण विधि की अगर मैं बात करूं तो एकादशी व्रत करने वाले जो भी श्रद्धालु हैं अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं, इसलिए जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो सुबह 5:55 से 8:23 तक 11 सितंबर को रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की अवधि जो है वो 3 घंटे 15 मिनट रहेगी। श्रद्धालु सुबह शुभ मुहूर्त में अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु अजा एकादशी व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत सात्विक भोजन के साथ पारण करना चाहिए। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं। दान दक्षिणा जो है वो अपने क्षमता के अनुसार जरूर देनी चाहिए। इसके साथ ही गायों को हरा चारा खिलाएं, उसके बाद सात्विक भोजन से अपने व्रत का पारण करें। ऐसा करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। अब अगर मैं बात करूं कि अजा एकादशी का जो व्रत है वो किस दिन धारण किया जाएगा तो ये 10 सितंबर 2023 को दिन रविवार को व्रत जो है वो किया जाएगा। 11 सितंबर को दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। तो आने वाली अजा एकादशी में जो भी व्रत करना चाहते हैं या अपने संतान की उत्पत्ति चाहते हैं तो इस व्रत को जरूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।